हेलो गाइस, सो स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो आपने देखा है कि हमने यहाँ पर काफ़ी हद तक इसकी मॉडलिंग हमने कंप्लीट अप कर ली है। सो मॉडलिंग कंप्लीट करने के बाद हम कुछ बेसिक टेक्सचर्स भी असाइन अप करेंगे। सो डेफिनेटली मैं ये टेक्सचर्स यूज़ अप नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ और टेक्सचर्स यूज़ करने वाला हूँ। सो इसके पहले जो भी मॉडलिंग का पार्ट बाकी है वो पहले कंप्लीट अप करेंगे। जैसे कि ये जो बैक साइड का पार्ट है, सॉरी साइड का जो ये व्हील्स वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ से मिरर करेंगे, कॉपी करेंगे वाई एक्सिस में और इसे यहाँ पर जाकर इसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे। सो प्लेस करने के बाद सेम इसी का डुप्लीकेट करेंगे और इसी का डुप्लीकेट करके ऐसा मिरर करेंगे और इसकी एक और कॉपी हम इसे मैं वाई एक्सिस में इसकी एक कॉपी हम यहां पर बनाकर प्लेस कर देंगे इस तरह से। सो डेफिनेटली इसके बाद हम इसे कुछ टेक्सचरिंग स्टार्टअप करेंगे। टेक्सचरिंग करने के लिए हम इसे अनरैप कर सकते हैं। सो सबसे पहले इसे हम टेक्सचर करेंगे। सो मॉडिफायर लिस्ट में जाता हूँ और मैं एक अनरैप UVW मॉडिफायर असाइन करता हूँ। सो मॉडिफायर असाइन करने के बाद हम यहां पर जाएंगे, जो भी एरिया हमारा साइड व्यू से कवर अप करेगा वो हम साइड व्यू से उतना एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो हमें जितना एरिया सेलेक्ट करना हम इतना एरिया सेलेक्ट कर लेते साइड व्यू से। यहां पर जाकर प्रोजेक्शन में प्लानर में जाएंगे, वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन सेलेक्ट करके क्विक प्लानर मैप करेंगे, ओपन यूवी एडिटर करेंगे और इसे मैं बाहर पुल आउट कर लेता हूँ। सो यहाँ से फिर से सेलेक्ट करेंगे, इसे भी सेम मेथड यूज करेंगे, प्रोजेक्शन में जाएंगे वाई और इसे भी मैं क्विक प्लानर मैप कर लेता हूँ सेम। आफ्टर दैट टॉप रीजन सेलेक्ट करेंगे। सो जो भी आपका टॉप रीजन रहेगा वो टॉप रीजन हम सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्शन में जाएंगे, जेड में जाएंगे, क्विक प्लानर मैप करेंगे, ओपन यूवी एडिटर करेंगे। सो इसके बाद टूल्स में जाएंगे, रिलैक्स में जा सकते हैं, पॉलीगन एंगल्स में जाकर इसे मैं रिलैक्स करता हूँ और इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाएंगे, इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्केल कर लेता हूँ। तो यहां से इतना जो एरिया है इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर स्केल कर लेता हूँ और इसे स्ट्रेट कर लेता हूँ और इसे भी मैं स्केल करके स्ट्रेट कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाएंगे, इसे मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ, एज सेलेक्ट करेंगे। तो आप अगर इसकी एज सेलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये यहाँ की एज है इसकी।
सो एक बार हम इसे सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। सो पॉलीगन्स में जाएंगे इसके, और ये पॉलीगन में अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे पॉलीगन यहाँ से मिलेगा, और ये सेम एज है यहाँ की, ये कनेक्टेड एज है, ये एज आपकी बेस वाली एज है। सो आप इसे फ्लिप कर सकते हो यहाँ से। सो पॉलीगन से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से फ्लिप कर देता हूँ। सो अब मैं इसकी एज अगर सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये सिलेक्शन व्यू हो रहा है। सो मैं इसे यहाँ पर पुट ऑन कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे भी मैं यहाँ पर पुट ऑन करता हूँ। वर्टाइसेस में जाएंगे, टूल्स दोनों को सेलेक्ट करेंगे, स्टिच सेलेक्टेड, या फिर आप इसे सेलेक्ट करके टारगेट वेल्ड कर सकते हो। ओके, या फिर आप इसी तरह इसे प्लेस करके रखो, नो प्रॉब्लम। सो पॉलीगन्स में जाइए और इसे एज इट इज जस्ट इस तरह से इसे प्लेस अप कर लीजिए, जस्ट एक ओवरलैपिंग की तरह। या फिर आप ये दोनों एजेस को स्टिच सेलेक्टेड कर लीजिए तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। टूल्स में जाकर स्टिच सेलेक्टेड। सो इसके पॉलीगन्स फिर से मैं सेलेक्ट करके इसे रिलैक्स करता हूँ और आप इसे रिलैक्स कर दीजिए तो ये आपका प्रॉपरली, ये आप अगर देखोगे और ये पार्ट और ये पार्ट आपका व्यू अप हो गया। सो अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और ये सेलेक्ट करता हूँ तो ये आपका ये पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट। इस तरह से हम कर सकते हैं। सो ये पार्ट है और ये वाला ये पार्ट है, आप देख सकते हैं। सो एक बार आप इस पे चेकर्स असाइन अप कर लीजिए, सो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। हम यहाँ पर जाकर स्टैंडर्ड में जाएंगे और इसके ऊपर मैं चेकर असाइन करता हूँ डेफिनेटली। सो असाइन कर लीजिए चेकर इस तरह से। इसके बाद पॉलीगन्स में जाएंगे, सो ये पार्ट हम सेलेक्ट करेंगे फिर से और इसे मैं एक्स एक्सिस में प्रोजेक्ट करता हूँ और क्विक प्लानर मैप। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब इसे स्केलिंग करेंगे फ्रॉम ऑल द साइड्स, सो सारी साइड्स हमें इसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी। आप इस तरह से स्केलिंग कर लीजिए, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सो डेफिनेटली सिर्फ ये पार्ट हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर प्रोजेक्शन करेंगे एक्स एक्सिस में और क्विक प्लानर मैप, ओपन यूवी एडिटर। अब सेव कर लीजिए फाइल। फिर से मैं और स्केल डाउन कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि हमने इसको इस तरह से अनरैप अप किया है। सो डेफिनेटली ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट हमें रिक्वायर्ड नहीं है। सो बेस का जो पार्ट है वो पार्ट, इसे भी आप
कुछ प्लानर मैप कर लीजिए, स्केल कर लीजिए और इसे रोटेट करके प्लेस कर लीजिए यहाँ पर। और ये सारे पार्ट्स को भी हम यहाँ से यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। सो ये प्लेस करने के लिए डेफिनेटली ये जो पार्ट है ये ऊपर रहेगा, ये पार्ट आपका यहाँ पे हल्का सा स्केल करेंगे और ये पार्ट आपका थोड़ा सा बेस में जाएगा। सो बहुत ज़्यादा हमें इसको स्केल करने की ज़रूरत नहीं है। सो मेक श्योर ये काफ़ी ज़्यादा एकदम एजिस पे नहीं जा जाना चाहिए। सो इसके बाद टूल्स में जाएंगे, रेंडर यूवी टेम्पलेट करेंगे। सो 2K का टेक्सचर मैं सेव अप करता हूँ, मतलब गेम इसका मैं यूवीज को इन द फॉर्म ऑफ 2K विथ और हाइट 2048 करता हूँ और इसे मैं सेव कर लेता हूँ रेल वैगन फोल्डर में जाकर। इसे मैं यूवीज नाम दे देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। सो आइए फोटोशॉप ओपन करते हैं। सो इसके बाद ओपन करेंगे जो हमने यूवीज सेव किया था। सो सबसे पहले एक और टेक्सचर जो हमने यहाँ पर ओपन किया है, इसे डेफिनेटली ये टेक्सचर यूज़ नहीं करूँगा, मैं कलर इसका यूज़ करूँगा। बट कुछ हम यहाँ पर रस्ट वाले, अगर आपको टेक्सचर्स चाहिए हम रस्ट वाले कुछ टेक्सचर्स पुट ऑन कर सकते हैं। सो हमें मेटल के कुछ टेक्सचर्स लेने होंगे, तो कुछ मेटल टेक्सचर्स हम ले सकते हैं। सो इसके काफी सारे हमारे पास जो टेक्सचर्स है इसका हम कुछ यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डी ड्राइव में जाता हूँ, फेब्रुअरी और टेक्सचर में जाकर मैं सारे टेक्सचर्स को प्लेस कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाएंगे, इसे कुछ प्रीव्यू करेंगे, आपको जिस तरह से कोई बेटर टेक्सचर चाहिए, कुछ वाटरमार्क है, कुछ ऐसे टेक्सचर्स भी यूज कर सकते हैं, कुछ स्क्रैच मेटल वाले ऐसे भी टेक्सचर्स यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर जाएंगे और ये टेक्सचर जो है ये टेक्सचर है, एक ये टेक्सचर है। सो यहां से ये टेक्सचर को हम थोड़ा सा क्रॉप अप कर लेंगे और जो हमारा यूवीज है, जो भी हमारे यूवीज है, यहां पर एक नया लेयर लेता हूं और इसके ऊपर मैं एक जस्ट एक कलर प्लेस कर लेता हूं और इसे मैं स्क्रीन मोड पे पुट कर लेता हूँ, एक नया लेयर लेता हूँ और हम इतना सा सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर जाकर। और यहाँ पर जाके मैं एक आई ड्रॉपर से
ये कलर पैक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ये कलर जो है वो प्लेस कर लेता हूँ। अब इसे हम यहाँ से डिसलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे। सो रस्ट मेटल का जो टेक्सचर है वो हम यहाँ पर पुट ऑन करते हैं। सो कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, थोड़ा सा रीसाइज करेंगे और यहाँ पर जाकर आपको लगता है कि मुझे कुछ ऐसा ब्लेंडिंग मोड की तरह वर्क करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, या फिर हम इसे नॉर्मल रखेंगे, थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर जाकर मास्क लेंगे एक यहाँ पर, और मास्क से थोड़ी सी ओपेसिटी और फ्लो इंक्रीज करेंगे। सो डेफिनेटली ये तो वर्कआउट नहीं होगा बिकॉज ये बाहर है, ये क्लोज हो जाएगा। सो ये जो हमने टेक्सचर अभी यहाँ पर प्लेस किया है इसे डिलीट कर लेता हूँ और इसे मैं कंट्रोल टी करके थोड़ा सा रिसाइज अप कर सकता हूँ यहाँ पर। सो ये दोनों टेक्सचर्स को मैं मर्ज कर लेता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और बहुत ज़्यादा स्केलिंग मत कीजिए इसे, थोड़ा सा आप स्केलिंग कर सकते हो। सो ज़्यादा स्केल करने से ये टेक्सचर प्रॉपर्टी थोड़ी सी लॉस हो जाएगी। सो यहाँ पर जाकर हम मास्क करेंगे इसे और फिर ब्रश यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये डेफिनेटली हम यहाँ से हाइड अप करेंगे, इतना एरिया इरेज होगा। सो यहाँ से एक और जो स्क्रैच मेटल है ये भी हम ले सकते हैं, ये टेक्सचर यहाँ पर। सो स्क्रैच मेटल का जो टेक्सचर है इसे भी हम रिसाइज करेंगे। सो रिसाइज कर लीजिए, कंट्रोल टी कीजिए, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कीजिए, कंट्रोल, ये दोनों लेयर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मर्ज करता हूँ और थोड़ा सा स्केलिंग कर लीजिए। सो यहाँ से हम, अगर आपको लगता है तो हम यहाँ से कुछ ब्लेंडिंग मोड्स जो है वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो नॉर्मल नॉर्मली रखेंगे, ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी है, एकदम कम कर सकते हो आप। सो डेफिनेटली यहाँ पर भी जाकर हम इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी सी रिड्यूस करेंगे और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से विजिबल होगा। सो मैं लेयर ऑफ कर लेता हूँ और ये कलर को हम सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा डार्क कर सकते हो आप। सो डेफिनेटली यहाँ पर जाएंगे, लेयर पे जाता हूँ, थोड़ा सा डार्क करेंगे, डीसेलेक्ट करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, मैं इसे सेव एज करता हूँ। तो आप डेफिनेटली ये जो कर रहे हो ये चेकआउट करेंगे, फाइल सेव एज, सो रियल वैगन
टेक्सचर वन जेपीजी, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर जाएंगे सो एंड आइसोलेट, यहाँ से कर लेते हैं। मटेरियल में जाएंगे सो एक नॉर्मल मटेरियल असाइन कर लेता हूँ। बिटमैप में जाएंगे और बिटमैप में जाकर कॉल करेंगे वही टेक्सचर, टेक्सचर वन। ओके, मेक श्योर आप वो जो येलोइश पार्ट है वो आप हिडन कर सकते हो बाद में। तो आप ये देख सकते हो कि हमने ये इस तरह से जनरेट अप किया है। नो प्रॉब्लम, इसको हम यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको फ्लिप कर देता या मिरर कर दो, वॉट एवर इट इज। तो अब इस तरह से ये टेक्सचर को मैंने इस तरह से पुट ऑन किया। सो कुछ और चीज़ें हमें पुट ऑन करनी हम इजीली कर सकते हैं, रफनेस और दे सकते हैं हम इसलिए। सो गाइज, अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे। So thanks for watching this tutorial.